तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सुनीता किचन ट्रेवल्स लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो यहां पर मैं मूली के पराठे बनाने के लिए आप वीडियो जरूर देखना, लेकिन पूरी दूसरी है ना। तो यहां पर मूली को मैंने धो के कस लिया है और कस के मैं नमक मिला के रख रही हूं। दूसरी वीडियो में आपको पराठे की वीडियो पूरी मिल जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं जो आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप सब पूरी वीडियो जरूर कंटिन्यू देखना। मैं आप सबका सपोर्ट चाहती हूँ ताकि मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मेरी किचन वेस्ट है और मैं बहुत सारी आपको आज ट्रिक्स जानकारी देने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। और आप जो जानकारी है आप सबको आप मुझे ज़रूर बताना। आज आपसे मैं कुछ बातें करने वाली हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे आप सबके प्यार की ज़रूरत है। आप मेरी वीडियो पूरी देखना, ज़रूर सुनना, ज़रूर आप मुझे प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आप सब मुझे कहाँ से देख रहे हैं। ये थोड़ा सा हम ट्रांसप्लांटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर पहले मैं मूली निकाल लेती हूँ, मूली के पराठे निकालूंगी, क्योंकि मूली के मैंने पहले जो गमले थे पुराने वो मैंने खाली कर दिए हैं और दूसरी मूली मैं एक्स्ट्रा पहले ही अब से 1 महीने पहले लगा लेती तो मूली और मुझे 15 दिन बाद या फिर 10 दिन बाद मिल जाती। अगर मैं आपसे 1 महीने पहले मूली का सीड्स रख देती 2-4 गमलों में तो एक्स्ट्रा इसलिए सब्जी रखनी चाहिए, लेकिन मैंने गौर नहीं करी थी, अब मैं गौर करूँगी। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं मूली पहले निकाल लेती हूँ मैं, और फिर इसके बाद इस मूली के जो ये किचन वेस्ट है और ये मेरा है गार्डन वेस्ट। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं किचन वेस्ट है, एक तरफ जो कैंचवा किसान का सच्चा साथी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो यहाँ पर कैंचवा बन रहा है, बनना चालू हो गया है। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ इसकी किचन वेस्ट की और अपने गार्डन वेस्ट की। ये मेरे गार्डन से निकली है मूली, इनकी पत्तियाँ मैं सब निकालूंगी, कुछ मैं पराठे बना लूँगी मूली के और कुछ मैं सिरके में डाल दूँगी, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए मैं मूली को पहले निकाल लेती हूँ, फिर मैं कैसे कैसे आपको गर्मियों की सब्जी है, गर्मियों की सब्जी कैसे कैसे उगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, मैंने कहाँ पे लगा रखी है, मतलब मैं कहाँ पे लगाने वाली हूँ। तो अभी मैं इसमें कुछ प्लांट्स आपको ट्रांसफर करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने वही अपने सिंपल नमक मिर्च मसाले इसमें डाल लिए हैं, हरा धनिया और हरी मिर्च कट करके, और प्याज, मूली है मेरी पंजाबी स्टाइल के ये पराठे मैं बना रही हूँ, देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने रोटी के अंदर भरकर और आटे में भी मैंने मलाई, जब मैंने आटा बनाया था मलाई डाली है, नमक डाला है, गर्म पानी डाला है, तभी मेरा आटा बढ़िया बना है। उसमें मैंने आटे में भी मिर्ची डाली है। यहाँ पर लीजिए हमारा पराठा तैयार है, एकदम स्टिपिंग दिखा देते हैं अंदर में, आपको दिखा देते हैं हम अंदर में कैसे भरा है। देखिए देखिए, वाह, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी स्टिपिंग है, आप खुद ही देख लीजिए। तो बहुत अच्छा लच्छा पराठा हमारा एकदम बन के रेडी है। इसमें मैंने कस्तूरी मेथी भी डाली है, दूसरी वीडियो में डाल दूंगी मूली के पराठे कैसे बनाएं। ये मैंने कैसे बनाया है, देखिए मूली अक्सर पानी छोड़ती है और देखो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं नजर आ रहा है आपको, और ये मेरी गार्डन की मूली है, ठीक है। तो दूसरी वीडियो डाल दूंगी मैं, आप जरूर जाके देखना और मुझे सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट प्यारा सा और वीडियो को शेयर जरूर करना।